ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहतमंद रखे। और साहिल अदीम, उनसे मैं कुछ सवाल करना चाहूंगा, कुछ अपनी बातें शेयर करना चाहूंगा, और आई होप कि आप सबके लिए भी ये सेशन इंटरेस्टिंग होगा। तो आई होप कि अब मेरी आवाज और मेरी वीडियो दोनों बहुत अच्छी आ रही होंगी, ठीक आ रही होंगी, बिकॉज आई चेंज द कनेक्शन, और थोड़ी सी तअखीर हुई, उसके लिए माजरत, कुछ जरूरी काम आ गया था बीच में। सो एज यू नो कि आज का सेशन जो मैंने प्लान आउट किया है, बेसिकली एस्ट्रोफिजिक्स की हम बात करेंगे। एस्ट्रोफिजिक्स में मेरा भी बहुत इंटरेस्ट है और माशाल्लाह साहिल भाई का भी बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ा भी रहा हूँ और बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर मेरा शुरू से फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट रहा है। ए लेवल से लेकर इंजीनियरिंग तक फिजिक्स वॉज दी सब्जेक्ट विच really made me lot of which instilled lot of curiosity in me, और especially आज की जो physics है, astrophysics जो है, particularly आज की जो astrophysics है, इसमें cosmology और astronomy जो दो fields हैं, के creation of universe के हवाले से और फिर how does everything works, वो चीज मुझे बहुत ज्यादा जो है ना वो पहले के curiosity मेरे अंदर पैदा करती है। और फिर जाहिर है कि कुरान और हदीस में भी इसका बड़ा तस्करा है। सही बुखारी का बकायदा पूरा चैप्टर है बुक ऑफ बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकायदा हमें बताया है कायनात किस तरह से शुरू हुई, और कुरान में भी कायनात के शुरू होने का तस्करा है कि 6 दिन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कायनात को तख्लीक किया, और फिर उसका सीक्वेंशियल ऑर्डर भी हमें कुरान और हदीस में बताया गया। सो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि पर्टिकुलरली आज का सेशन एस्ट्रोफिजिक्स पे है। हम कुरान और हदीस की बात करेंगे, लेकिन बेसिकली हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आज जो है वो डिस्कस करने लगे। ओके, सम पीपल आर टेलिंग मी देयर इज एन ऑडियो प्रॉब्लम। ओके प्लीज मुझे okay, I think there is some noise pollution. Some people are giving me this feedback. Noise pollution है या आवाज कट रही है? What exactly it is? साहिल भाई, आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? Yeah, मुझे आ रही है। आपको आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी बिल्कुल क्लियर आ रही है। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी जो आवाज है वो एको हो रही है बहुत। मेरे पास तो आपकी आवाज ठीक आ रही है। आवाज कट रही है। ओके ओके, दोबारा से किया जाए रिकनेक्ट? मे बी यस। असल में कुछ लोग कह रहे हैं एक्टिव हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं। अच्छा, आवाज के साथ शोर है लेकिन क्लियर है। लेट मी चेक सेल्फ। ओके जी, ओके, आपकी आवाज के बारे में वो कह रहे हैं कि कोई नहीं है, मसला नहीं है, लेकिन मेरी आवाज के हवाले से मेरा ख्याल है कि कुछ मसले मसाइल आ रहे हैं। लेट्स सी, लेट्स चेक इंशाल्लाह। ओके ठीक है, ठीक है, आप बेहतर है, कुछ आवाज बेहतर है। लेट्स चेक इंशाल्लाह। ठीक है, आप बेहतर है, बेहतर है, मैं भी कर रहा हूँ। ओके जी, सो वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो साहिल भाई, मेरा जो आज का आपको बुलाने का मकसद है कि
कुछ ऐसी चीजें हैं कि मिसाल के तौर पे क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, हाउ डिड इट ऑल बिगिन, फिर जाहिर है कि आजकल फिजिक्स में जो डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट है कि देर आर मोर देन यू नो 7 dimensions, 11 dimensions का कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले हम बात इसी से शुरू करते हैं कि ये डायमेंशंस का क्या कॉन्सेप्ट है, इस पे जरा कुछ रोशनी डालें कि व्हाट आर डायमेंशंस और 11 dimensions क्या है। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी असल में जो चीज इंसान की जहन की अंदर नक्शा निगारी कर सकती है ना, वो उसी तरह की होती है जिस तरह की उसके मतलब मुशाहिदा या उसके जो 5 हिस्से हैं उन हिस्सों के जो तजुर्बात होते हैं वो उससे जो वो कायनात का नक्शा बनाता है ना, उसके अंदर अंदर रह उसको एक्सप्लेन की जा सकती है। मगर कुछ ऐसी चीज कि फॉर एग्जांपल जन्नत में एक फलां तरह का मेवा है या दूध की नहर है, तो नहर से लफ्ज जो है ना, नहर को तो हम समझ सकते हैं, मगर दूध की नहर को एज ए जेस्टॉल्ट कॉन्सेप्ट, जेस्टॉल्ट का मतलब एक्यूमुलेटिवली दूध की नहर कैसे बहेगी, कहाँ से सोर्स होगी उसकी, इसकी शक्ल कैसी होगी, चूंकि ये हमारे मुशाहिदे में नहीं होती, तो व्हाट वी डू इज वी इमेजिन दैट। But when we imagine that, we use the constants and variables from our current encyclopedia of, you know, this universe. So we can come up to some sort of a level कि कहाँ पे ये बात हमारे ज़हन में ना, दूध की नहर का मतलब है कि कोई बहता हुआ पानी है जो बिल्कुल सफेद रंग का या दूध की तरह का दूध ही है, वो कहीं से सोर्स हो रहा है और वो फिर कॉन्स्टेंट फ्लो हो रहा है। ये सारी चीजें असल में हमने दुनिया की नहरों से उठाई होती। तो जब हम कहते हैं दूध की नहर, तो तकरीबन सबको एक ही तरह की तस्वीर जहन में आती है, बिकॉज हम सब इस दुनिया से ही वो तस्वीर के जो बेसिक जो है ना कंस्टिट्यूएंट्स वो उठाते हैं, जो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द पिक्चर है इमेजिनेशन के। जब बात डायमेंशन की आती है, तो चूंकि इंसान अमूमी तौर पर भी डायमेंशन के, सिंगल डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को भी टेंजिबल पिक्चर नहीं करता, कभी भी इमेजिन नहीं करता, मुशाहिदे में हो भी तो वी डोंट रियली पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट और गेट एजुकेटेड इन फिजिक्स इन सच अ वे, स्पेशली नॉट फिजिक्स बट मैथमेटिक्स, क्योंकि डायमेंशंस तो बेसिकली आपके एक एन एजुकेटेड माइंड, एन एक्सपोज माइंड कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ 2 dimensional ऑब्जेक्ट एंड अ 3 dimensional ऑब्जेक्ट, अ 2 dimensional पिक्चर एंड अ 3 dimensional पिक्चर। अमूमी तौर पर ये बात इसलिए समझाना बेहद मुश्किल हो जाता है बिकॉज इस तरह का कॉन्शियस एक्सपोजर लोगों के पास होता नहीं। अब रही बात कि अगर समझ लें सबका 3 dimensional कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो इसीलिए ये वाला चैनल देख रहे हैं, इसीलिए ये वाली बातें सुन रहे हैं, मगर 3 dimensional कॉन्सेप्ट की अपनी एक लिमिटेशन है। जैसे एक 2 dimensional कॉन्सेप्ट की दुनिया में रहने वाली चीजें कभी भी 3 dimensional कॉन्सेप्ट को एडहियर नहीं कर सकती, बिल्कुल इसी तरीके से 3 dimensional जैसे हम हैं, हम 4 dimensional चीजों की हैयत को अपनी उस इमेजिनेशन के अंदर लेके नहीं आ सकते। तो उसके लिए काफी हद तक कंप्यूटराइज सिमुलेशन की गई है कि 4D की शक्ल कैसी होगी, तो वो शक्ल समझ ही नहीं आती कैसी होगी, मगर वो दिखा रहा होता है कंप्यूटर की, ये देखें 4D ऐसा होगा, फिर 5D ऐसा होगा, यू कैन लुक इट अप एंड यू कैन सी के 4D को किस तरीके से दिखाया गया। अब हुआ ये कि ये जो लिमिटेशन है, इस लिमिटेशन की वजह से अ लॉट ऑफ थिंग्स वर गिवन इनटू अ सर्टेन कीवर्ड कॉल्ड प्रीसपोजिशन। तो जब क्वांटम थ्योरी आई, ये स्ट्रिंग थ्योरी आई, और उन्होंने क्वांटम लेवल के ऊपर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के आपसी ताल्लुकात को और उनके मोशंस को पूरी तरीके से समझने की कोशिश की, तो उनको पता चला कि यार दिस इज नॉट अ ड्रॉइंग ऑन द पेपर विच कुड बी यू नो अ 2 dimensional पिक्चर, जैसे कि हम सोलर सिस्टम को देखते हैं पेपर पे बना लेते हैं, बिल्कुल इस तरीके से क्वांटम लेवल के ऊपर भी दे हैड टू एक्चुअली लुक एट द बिहेवियर ऑफ द यू नो द एलिमेंट्स ऑफ द मैटर, they found out that this behavior is absolutely out of the laws of physics. Iska matlab hai ki abnormal hai, kyunki jo kuch bhi laws of physics mein hoti hai usi ko hum normal kehte hain.
क्योंकि हम उसी के यूज टू होते. नाउ सिंस दे सॉ दैट देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, जो कि मैं आपको मिसाल के तौर पे बताता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में ऐसे सर्कुलर मोशन में नहीं होता जैसे कि कोई मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा होता, ऐसे नहीं होता. इट इज ए टोटली डिफरेंट स्फेरिकल स्पिन दैट द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड इट्स न्यूक्लियस. और एक जगह पे वो जाहिर होता है तो वहां से गायब हो जाता है और किसी और जगह पे जाहिर होता है फिर. एंड इट्स सच एन अमेजिंग वे कि इलेक्ट्रॉन गायब होने के बावजूद भी अपने ऑर्बिट के अंदर ही वापस री अपीयर होता है एंड सो ऑन. मैं इसकी तफसील में नहीं जा सकता बिकॉज वो आपको मतलब दैट विल बी टू टेक्निकल. मगर व्हेन दे फाउंड आउट के क्वांटम लेवल के ऊपर न्यूक्लियस के अंदर जो मादा है और जो उसके इर्द गिर्द जो मादा है वो इट्स नॉट ए फिजिकल एंटिटी, इट इज नॉट पॉसिबल कि फिजिक्स के अंदर वो उन एंटिटीज की बिहेवियर, उनकी मैनिफेस्टेशन ऑफ द बिहेवियर, उनकी अपनी हैयत को एक्सप्लेन किया जा सके. सो दे स्टार्टेड ड्रॉइंग फॉर मैप्स एंड व्हेन दे ड्रू ऑल ऑफ दोस मैप्स, तो मैं बिल्कुल लेमन तरीके से बता रहा हूँ ताकि जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ी उसको समझ आ जाए, क्योंकि आई डोंट वांट टू यूज एनी टेक्निकल जार्गन हियर. जब उन्होंने ये ड्रॉइंग पूरी तरीके से बनाने की कोशिश की तो एक तरीके से उन्होंने कहा कि थ्री डायमेंशन में तो समझ नहीं आ रहा तो फोर्थ डायमेंशन ऐड कर दो. फिर उन्होंने और स्टडी किया तो पता चला फोर्थ डायमेंशन में भी ये बिहेवियर पूरा नहीं हो रहा. करते करते उन्होंने फिर पूरी तरीके से एक 11 डायमेंशनल मैप बनाने की कोशिश की, सपोज करने की कोशिश की, और उसमें बताया कि यार ये 11 डायमेंशन तो पूरी नजर आ रही है द वे दीज एलिमेंट्स आर बिहेविंग एंड दैट्स व्हाट्स कॉल्ड द स्ट्रिंग थ्योरी. का बेसिकली मैं उसकी टेक्निकलिटी में जाए बगैर बता दूं कि एक इलेक्ट्रॉन जिस पैथ में मूव करता है वो वेव का एक पैटर्न बनाती है. वो वेव असल में एक स्फेरिकल सर्कमफ्रेंस के ऊपर मूव कर रहा होता है और स्फेरिकल सर्कमफ्रेंस का जो सेंटर होता है वो न्यूक्लियस होता है, और उसकी वेव की उस स्ट्रिंग को प्लॉट करें तो आपको पता चल जाएगा कि वो सारे 11 डायमेंशन के अंदर उस स्ट्रिंग को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये पूरा एक स्फीयर बन रहा है. So, इसलिए उसको स्ट्रिंग थ्योरी भी कहते हैं एंड उसे उधर ही से 11 डायमेंशन का एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है ना वो इस वक्त फिजिक्स में पूरी तरीके से राइज हो गया. नाउ उसका फायदा क्या है? तो फायदा ये है कि ये तो पता चल गया कि कोई चीज गायब भी होती है और वापस रीअपीयर होती है, बिल्कुल जिन बाकायदा जिन की तरह. ठीक. और ये है तो ये फिजिक्स की चीजें क्योंकि मैटर है, हर चीज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बनी हुई है. तो चाहे लोहा हो, चाहे बहरी जहाज, कश्ती हो, चाहे इंसान हो, खून का खुलिया हो, या फिर हवा का कोई एलिमेंट हो, नाइट्रोजन का एलिमेंट हो, ऑक्सीजन का, हर चीज के अंदर है. तो इसका मतलब है कि साइंस की रूह से इस कायनात की एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती. हम खाली वापिस हम गैलीलियो के टाइम पे चले गए जहां पे दुनिया सूरज के गिर्द घूमती है या सूरज दुनिया के गिर्द घूमता वाली बातों पर आ गए. In terms of our basic knowledge, we have come to realize after the string theory that we really, really are not even at the level zero of the actual knowledge of how the universe is made up and how it works together. Because the unit of matter, वो ही नहीं explain हो सकता, तो हम बड़ी चीजों को क्या explain करें? अब कोई मुझसे पूछे कि यार ये सोफा तो मेरे सामने सोफा ही है, ठीक है, ये लोहा तो मेरे सामने है, ये कारपेट तो कारपेट ही है, ये छत तो छत ही है, तो आप क्यों कह रहे हैं कायनात एक्सप्लेन नहीं हो रही? तो आपको तब पता चलता है इस सोफे के एलिमेंट के अंदर जब जाते हैं तो पता चलता है कि वो तो एज अ होल सॉलिड बॉडी इज बिहेविंग सॉलिड बट इन इट्स ओन मेक इट इज नॉट फॉलोइंग द लॉज ऑफ फिजिक्स. जब इस्लाम ये बातें तो इनके चक्के छूट जाते हैं कि नहीं ये तो सुपरस्टिशन है. और ये वो खुद जब यहां पे आके सारी चीजें एक एब्स्ट्रैक्ट, बल्कि एब्स्ट्रैक्ट तो बहुत ही अच्छा लफ्ज है, इस वो लफ्ज डिक्शनरी में नहीं है जिस तरीके से इन्होंने स्ट्रिंग थ्योरी को सपोज करवाया, इसको प्री सपोजिशन की पूरी एक लिस्ट में डाला है, वो सब चीजें कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करेंगे जाके स्ट्रिंग थ्योरी जो है ना वो पूरी होगी. नाउ सिंस आई स्टडी अ लॉट अबाउट दैट सो आई एम अनकॉन्शियसली यूजिंग अ लॉट ऑफ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज, सो आई अपोलोजाइज दैट. बट इन अ जनरल वे जो लोग सुन रहे हैं उनको बता दें कि अल्लाह ताला ने जब कहा ना कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी कि सात आसमान हैं, तो सात आसमान हैं
तो साइंस की रूह से तो एक या दो आसमान का कॉन्सेप्ट है ही कोई नहीं, एटमोस्फेयर है और वैक्यूम है। साइंस तो आसमानों को सही नहीं मानती। सो एज अ मुस्लिम वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग हैंडल, वी हैव अ वेरी जी स्ट्रॉन्ग हैंडल। कैसे? बिकॉज अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हजरत नूह की कौम से एड्रेस करते हुए कहा कि ऊपर आसमान पे देखो, तुम्हें क्यों नहीं नजर आता कि अल्लाह ताला ने क्या क्या निशानी है तुम्हें और क्या क्या हक की जो जो तालीम है वो कैसे मिल रही है तुम्हें। सही अब हजरत नूह से अगर ये कहा था तो इसका मतलब है कि हजरत नूह और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से फौरन पहले जो जमाने जाहिलियत चल रहा था, और उसके बाद ही काफी अरसा साइंस और यूरोप में तो यही रहा ना निजाम के इस तरह की बातें करना, सुपर ऊपर कौन बैठा है, ऊपर बस एक ज़ूस है या फिर इनका रामा है या फिर इनका कोई ना कोई भगवान और कोई ना कोई देवता इनका ऊपर होता है, और इस तरह की बातें करना जो है ब्लास्फेमी है और उन लोगों को कत्ल कर देते थे कि कायनात में क्या चल रहा है। हालांकि इस्लाम इतना कोई अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि अल्लाह ताला ने स्टार्ट ही एस्ट्रोफिजिक्स से किया अपने दीन तालीम को, कि कैसे कायनात शुरू हुई है। नबी अलैहिस्सलाम बताते रहे कि कायनात पहले कैसे शुरू हुई, जन्नत पहले बनाई, फिर दोजख बनाई, फिर जिब्रील बनाए, फिर उसके बाद यू नो सो ऑन सो फोर्थ। फिर अल्लाह ताला की जो बाकी की किताबें हैं जिनके ऊपर हमारा पूरा ईमान है कि किताबें तो अल्लाह ने लिखी हैं, जाहिर है बाद में इन्हराफ किया, तो जी आप उनको पढ़ें तो आपको पता चलता है कि जब द स्टार्ट ऑफ द स्टार्ट अल्लाह ताला ने कैसे बताया, बाइबल स्टार्ट कैसे होती है, लेट देयर बी लाइट। अब लेट देयर बी लाइट जो है वो क्या मतलब है इसका, ये एस्ट्रोफिजिक्स की आयत है, और फिर बाइबल में भी लिखा हुआ है कि इन द स्टार्स एंड इन द हेवनली सेलेस्टियल बॉडीज इज द लैंग्वेज विच विच गॉड स्पीक्स विद द इनहेबिटेंट्स ऑफ द अर्थ। इसका मतलब है कि वो अल्लाह ताला ये पैगाम देते आ रहे हैं कि आसमान में देखो निशानियां नजर आ रही हैं, तो बेसिकली तो एस्ट्रोफिजिक्स ही है ना जो आसमान पे दिखाती है। तो इट्स आई एम टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट थिंग्स हियर, आपने मुझसे डायमेंशन का पूछा था, मगर जब तक हमें एस्ट्रोफिजिक्स की और आसमान की निशानियों का कायनात पे गौर करने का प्रॉपर शौक नहीं डेवलप होगा, तब तक हमें डायमेंशन के कॉन्सेप्ट की बल्कि लोगों पे बोझ डाल रहे हैं, फिर लोगों से फिर बस उनको ना ये समझ आएगा ना वो समझ आएगा। सो आई एम एड्रेसिंग टू ऑल अच्छा दोस जी, पीपल। या सॉरी, मैं लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी पैदा करता हूँ, क्योंकि जाहिर है कि जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ी उसको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा हम बात क्या करना चाह रहे हैं। तो मैं सिंपलीफाई करता हूँ और आई होप कि आप मेरी आवाज जो है बेहतर होगी। असल में जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो 11 डायमेंशंस का टॉपिक है। ये टॉपिक में मेरा इंटरेस्ट इसलिए डेवलप हुआ है क्योंकि ये चीजें आजकल हॉलीवुड मूवीज में दिखाई जा रही हैं, टीवी सीरीज में दिखाई जा रही हैं। ये एक बहुत हॉट टॉपिक है और साइंटिफिक कम्युनिटी इस पे बहुत ज्यादा रिसर्चेस कर रहे हैं। मोर देन वन डायमेंशन होने की इम्प्लीकेशन क्या है, उसका मतलब क्या है। मिसाल के तौर पे ह्यूमन 3D क्रिएचर है, ह्यूमन बीइंग 3 डायमेंशन के नेचर है, 3 डायमेंशन से ज्यादा नहीं देख सकता। तो ये मैं पूछना चाह रहा हूं, अब हम डिस्कशन ही करना चाह रहे हैं कि जब साइंस इस पे बात कर रही है कि कायनात 11 डायमेंशन पे मबनी है या 10 डायमेंशन पे मबनी है या लेट्स से मोर देन 3 डायमेंशन पर मबनी है, तो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, ये मैं साहिल भाई से डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो साहिल भाई, बेसिकली इसकी इम्प्लीकेशन क्या है मोर देन 1 डायमेंशन की, मोर देन सर थ्री हमारा तो डायमेंशन ये की? तो कुछ ज्यादा ही बड़ी इम्प्लीकेशंस हैं मोर देन 3 डायमेंशन की, क्योंकि साइंस जो है ना वो बेसिकली 3 डायमेंशनल स्टडी है, याद रखिएगा। साइंस की जो साइकोलॉजी बनाई है ना साइंटिस्ट की, वो 3 डायमेंशन नहीं बनाई है, क्योंकि ज्यादातर लोग साइंस की बिना के ऊपर हक और बातिल को टेस्ट करते हैं, तो हमारे ऊपर इम्प्लीकेशन आ जाती है। फिर अब हक और बातिल की इम्प्लीकेशन है ना मुसलमान के लिए, तो हमें पता है कि ज्यादा डिमेंशन है। एज अ मुस्लिम वी नो कि देर सो मेनी डिमेंशन, जिसमें जिन्नात, अल्लाह ताला ने कहा ना जिन्नात तुम्हें उस जगह से देख रहे हैं जिस जगह से तुम उनको नहीं देख सकते, ये डिमेंशन की आयत है। और क्या, और सूरज जो है वो रोज रात को अर्श को सजदा करता है, फिर अल्लाह इजाजत देते हैं तो सुबह निकलता है। अब हमें कैसे मतलब साइंस कैसे एक्सप्लेन करे, इम्प्लीकेशन इतनी बड़ी है कि तसादम होता है इससे करके। जो मेजर साइकोलॉजी है ना दुनिया की, जिसकी इंसान जो है ना वो अपने आप को उसमें रखता है कि मैं ठीक रास्ते पे, वो साइंस की साइकोलॉजी है, वो इस्लाम की नहीं है।
इस्लाम की साइकोलॉजी तो हमने जमीन फेंक दी, हम तो साइंस के थ्रू इस्लाम को एक्सप्लेन करते हैं, मतलब ये है हमारे ऊपर अजाब लाइन कि हमने साइंस को इस्लाम से ऊपर रख लिया हुआ। तो जब मुसलमान इस्लाम के थ्रू ये कायनात, तो अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी इस्लाम के एहसानात ये हैं कि वो हमें बार बार इस तरह के मामला बताते रहे हैं कि ये ना सोच लेना कि लोग जो है ना वो आपके मतलब कोई ऐसा इल्म लेके आए जिससे आप कुरान पाक को टेस्ट कर रहे हो, नाउज बिल्ला कुरान पाक टेस्ट करेगा कौन सा इल्म दुरुस्त है, या हदीस टेस्ट करेगी, साइंस नहीं बताएगी। साइंस तो अभी थ्री डायमेंशन तक पहुंची और आप जाके थ्योरी दी है उन्होंने इलेवन की, हम तो पहले से मानते रहे कि फोर डायमेंशन में इम्प्लीकेशन तो हमारे ऊपर दी नहीं है ना, कि एक बच्चा जो है वो इतना मैथ यूज किया जाता है, आप इंटरनेशनल स्कूल्स में डाल देते हैं उनको, ये नहीं बताते कि वो इंटरनेशनल स्कूल जो है वो जिस करिकुलम को फॉलो करते हैं उस करिकुलम के पीछे एक प्रॉपर लेजिस्लेशन है, प्रॉपर एक बॉडी है जो कि साइकोलॉजी क्रिएट करती है। अब 12-12, 13-13 साल के बच्चे तजहीक करते हैं मैक्राम, क्यों इतनी बड़ी, इससे बड़ी क्या इम्प्लीकेशन होनी है कि इस्लाम की बुनियाद हिलाने शुरू कर दिया, किस बेस पे, क्योंकि वो फिजिक्स का है, वो आइंस्टाइन ने कह दिया, आइंस्टाइन ने कहा जी E equals MC squared ही पे तो है लेट देयर बी लाइट, अल्लाह ताला ने तो पहले कह दिया। अब देखिए आम से साइंटिस्ट को भी नमस्कार, आप स्टीफन हॉकिंग से जाके पूछ लें कि E equals MC squared इज ए कन्वर्जन ऑफ मैस इनटू एनर्जी और इट आल्सो मींस द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मैस, ही इज नेचुरली गोइंग टू से कि यस इट मींस बोथ थिंग्स, सिंस इट मींस बोथ थिंग्स तो फिर मसला इस्लाम ने 1400 साल पहले और बाइबल ने 5,000-3,500 साल पहले क्यों कहा लेट देयर बी लाइट से स्टार्ट हुआ है, एनर्जी को पहले अल्लाह ताला ने क्रिएट किया तो मैथ में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, दैट्स E equals MC squared, इसमें क्या मसला है, मगर हम इसको एनर्जी एनर्जी से मैथ से देखते नहीं, हम मैथ से एनर्जी को देखते हैं कि कोई स्पीड ऑफ लाइट पर के ऊपर ट्रेवल कराओ मैथ को, भाई जब एनर्जी पहले से ही कन्वर्ट हो सकती है मैथ में और अल्लाह ताला ने कहा लेट देयर बी लाइट, तो इसका मतलब है कि पहले एनर्जी क्रिएट हुई है, उसके बाद उस एनर्जी की जो है ना कूलिंग डाउन से, लिटरली कूलिंग डाउन से मैटर कन्वर्ट हुआ है, क्रिएट हुआ है। नाउ द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि अगर हमारी साइकोलॉजी अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर व्यक्ति हो, जैसे अबू बकर सिद्दीक की, अली बिन अबी तालिब की है, कि जो अल्लाह ने कह दिया बस वही सही, वो लॉ है, हमारे पास मुसलमानों के पास लॉज हैं, न्यूटन और आइंस्टाइन ने जो है ना वो थ्योरीज दी हैं, वो बाद में लॉ कन्वर्ट हुए हैं, हमारे पास पहले से लॉज हैं और हमारे बच्चे उनको थ्योरी से भी कम समझते हैं, इतनी बड़ी इम्प्लीकेशन है ये कि वो थ्री डायमेंशनल स्टडी लेके आ रहे हैं, हमारे पास पता नहीं इन्फिनिट लेवल की डायमेंशनल स्टडी है मगर हम वो थ्री डायमेंशन वाले से हार रहे हैं, वो तहजीक कर करके डायरिया हो रहा है, एथिस्ट हो रहा है। सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम, इम्प्लीकेशन तो बहुत बड़ी है कि अगर आपने फिजिक्स नहीं और न्यूट्रल होकर नहीं पढ़ी तो फिर तो आप फिजिक्स के हाथों ही मारे जाएंगे। अल्लाह के नबी इस्लाम की एक दौर ऐसा यानी जो बंदा में इस नजर से भी देखेगा कि फितने क्या हैं, वो भी फितने की नजर हो जाएगा। अब ये क्या है, इसका मतलब मैं क्या लेता हूं कि एक बंदे ने फिजिक्स इसलिए पढ़ी ना कि मैं फिजिक्स के थ्रू एक्सप्लेन करूं कुरान को, तो गया वो इस्लाम से, ये हदीस का मतलब साफ नजर आ रहा है, क्योंकि इस वक्त तो फिजिक्स का फितना है कि साइंस इस्लाम दुरुस्त है कि नहीं, वो जैसे साइंस में गया तो फिर अल्लाह ताला ने तो ये तरीका था नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत में नहीं रखा कि हम किसी और तरीके से प्रूव करेंगे तब अल्लाह को मानेंगे, ठीक है, अल्लाह ताला ने कहा ना कि ये क्या चाहते हैं कि मैं फरिश्तों के पर लगा के बादलों में बैठ जाऊं तब इनको नजर आ जाऊं फिर ये मान लें। तो मेरी तो दुआ यही रहती है हमेशा कि साइंस ने आहिस्ता आहिस्ता करके कुरान पाक के करीब आई जा रही है, हर चीज सही साबित हो रही है साइंस की कुरान के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता, तो ये नुकसान भी है इसमें कि हमारा ईमान साइंस के ऊपर बढ़ रहा है इससे कुरान पे नहीं। मुझे तो बहुत खुशी होती है जब साइंस कुरान के खिलाफ बात करती है, मुझे तो बहुत खुशी होती है बिकॉज तब जाके ईमान टेस्ट होता है। ये जो माँ बाप साइकोलॉजी बना रहे हैं ना कि ये देखो फिजिक्स ने ये भी बता दिया, केमिस्ट्री ने ये बता दिया, बायोलॉजी के मिरेकल्स, हमें हमें कुरान पाक के थ्रू उन अनोमलीज के ऊपर ईमान लाना है जो साइंस की अनोमलीज हैं, कि साइंस की उल्टी बात क्यों कर रहा है कुरान पाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करे कि ये वाले मामला हमारी उम्र में रहे, वरना तो हम साइंस के ऊपर ईमान ला के मरेंगे, अब कुरान पाक पे थोड़ी ईमान लाएंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।
यानी आपका पॉइंट ये है कि वही इज वेब ऑफ साइंस और हमारा इस पे सबका ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का जो फितना है वो बेसिकली ये है कि साइंस के थ्रू कुरान को परखो, साइंस के थ्रू जो है वही को परखो, और दिस इज व्हाट इज करप्टिंग द माइंड्स ऑफ आवर यूथ। जी हमारे जो स्कूल्स है ना, देखें अंधाधुंध स्कूलों में डाल रहे हैं बच्चों को, जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया था कि बीकन हाउस सिटी स्कूल में डालना है, सोचें जरा अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया वो नहीं पढ़ रहे। और मतलब बच्चा बीमार होता है तो अल्लाह से ही दुआएं करते हैं, बच्चे को दिमागी मरीज बना रहे हैं मगर उसके लिए कोई मसला उसका हल नहीं ढूंढ रहे। आप स्कूल में जरूर डालें, आई एम नॉट अगेंस्ट बीकन हाउस सिटी स्कूल इंटरनेशनल स्कूल, मगर साइकोलॉजी तो माँ बाप के हाथ में है ना कि उनको साथ साथ बताएं। देखें स्कूल इज अ पार्ट टाइम टीचिंग इंस्टीट्यूट, अ हाउस इज अ फुल टाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, माँ बाप का फर्ज होता है बच्चे को बताएं कि यार ये अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए साइंस को पैदा हुए हुए, हमारा रब अजल से है हमारा हमारा मामला किसी और तरीके से आ रहा है, इन लोगों को समझाना है तुमने, फिजिक्स की किताबें असर लिखनी है तुमने एज अ मुस्लिम। ठीक है, शुरू ऐसे ही किया था फिजिक्स को मुसलमानों ने शुरू किया था। तो ये इसका मतलब ये जो एरोगेंस में हमारे सो कॉल्ड एथियस्ट जो हमारे बच्चों के जहन खराब कर रहे हैं और इस यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए उन्होंने, इस्लाम के इन सारे कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज कर रहे हैं, मॉक कर रहे हैं, मतलब कितनी एरोगेंट अप्रोच है कि वो जिन्स की क्रिएशन को मॉक कर रहे हैं, फरिश्तों को मॉक कर रहे हैं, इस्लाम में जितनी बातें हैं जो मिरेकल्स हैं, जो ग्रेव है, बरज़ख है, हेलफायर है, फिर ये पैराडाइज है, फिर क्रिएशन ऑफ हेवन का अप्रोच, इट इज कितनी एरोगेंट अप्रोच है उन लोगों की, यानी उनकी औकात क्या है, उनको पता कितना है साइंस के बारे में। सर सूरह माउन की जो पहली आयत है ना, बराइत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, अराइत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ये जो आयत है ना, ये अरब जो कहते हैं ना अरब, मेरे तो असल में उस्ताद अरब रहे ना, उन्होंने ना, मैं जब ये पढ़ा था ना, मैं छोटा सा था तो मुझे उन्होंने ना टेम्परमेंट बताया, हर आयत का एक टेम्परमेंट होता है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अरब ही है जो ये समझ सकता है अराइत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन का मतलब क्या है ना। सर ये तो साफ लिखा हुआ है, क्या तुमने देखा उस शख्स को कि जो रोज खुदा को झुठलाता है? इसे नहीं, ये मतलब नहीं है इसका। सही, इसका सही मतलब तज़हीक है, तज़हीक का जवाब दिया अल्लाह ने, ये तज़हीक करते थे और अल्लाह ताला ने इस गुस्से का इजहार किया इस आयत में कि अरबी जब तक नहीं ना आती आपको तब तक आपको समझ नहीं आएगी कि कितने गुस्से का इजहार है कि क्या तुम उस शख्स को देख रहे हो या तुमने उसको देखा। जैसे कि इसमें एक शौक का एलिमेंट है इस जुमले में कि इसमें एक एक अचंभे का और एक इंतहाई बड़े सरप्राइज का कि ये भी एक चीज है जो कि इन लोगों ने अपनी तरफ से घड़ लिए कि कोई ऐसा सेंस नहीं बनती कि रोज़े जज़ा हो, मतलब अल्लाह ताला ने इस लेवल का गुस्सा। तो ये एरोगेंस शुरू से थी और ये रहेगी क़यामत तक, क्योंकि एंड ऑफ टाइम की जो हमें अहदीस मिलती है उसमें साफ समझ आ रही है, मतलब दाबतुल अर्द आखिरी निशानी। आप देखिए एरोगेंस की इंतहा ये है, एरोगेंस की इंतहा ये है, मैं सोच रहा था कि साइंस को आपने अल्टीमेट ट्रूथ मान लिया, आपने उसे गॉड बनाया हुआ साइंस को, और जो चीजें अभी हमारे पास टूल्स ही नहीं है, मैं एक डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था उस फिजिसिस्ट ने एक्सेप्ट किया था कि हमें ब्लैक होल को स्टडी करने के अभी टूल्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास फिजिक्स नहीं है ब्लैक होल को स्टडी करने में, आपके पास ब्लैक होल को स्टडी करने की फिजिक्स नहीं है, तो आप कुरान में जो अल्लाह ताला क्रिएशन के सीक्रेट्स बता रहे हैं या अल्लाह ताला ने अपने बारे में जो बताया है या अपनी क्रिएशन के बारे में बताया, उसको स्टडी करने के भी जो टूल अभी तक आपके पास नहीं है, तो किस बेसिस पे आप जो है वो रिजेक्शन कर रहे हैं? वो बेसिस जो है ना वो है द मोमेंटम ऑफ करप्ट साइकोलॉजी क्रिएट्स एरोगेंस, ये याद रखिएगा, इस मोमेंटम में है वो। पहले साइंटिस्ट ने कभी एरोगेंस नहीं दिखाई थी, ये जो स्प्री शुरू होती है जब एक हर्ड क्रिएट हो जाता है ना, हर्ड की थ्रू एरोगेंस बैक होती है। अकेले बंदे की थ्योरी कभी भी कोई एरोगेंस स्टैंस नहीं रख सकती, मगर 50,000 बंदे मेरी फॉलोइंग में आ जाएंगे, ऑल ऑफ अ सडन आई विल बी एरोगेंट। सो इट क्रिएट्स ओवर टाइम, इट्सेल्फ ओवर टाइम, मगर वही बात है कि मुसलमानों ने अपना मोमेंटम छोड़ दिया ना,
एक हर्ट दूसरे हर्ट को क्लैश तो करवाए, आप हमारे मुसलमान बच्चे अकेले अकेली भेड़े हैं और ये पूरा हर्ट उनको खा जाता है आके। हमारे मस्जिद का मौलवी इंतहाई नाहिल है, उसको ना अलिफ पता है साइंस की ना ये पता है साइंस की, मगर बरमला उसको गलत कह रहा है। बच्चे को फिर पूरे 8-8 घंटे स्कूल में बिठाते हो, जुम्मे वाले दिन खाली आधे घंटे का लेक्चर लेने वो मस्जिद जाता है और फिर वहां पे सुनता है कि तुम्हारी साइंस सारी गलत है, और बच्चा पूछता है कि कहाँ गलत है, उसका पता ही नहीं होता। सो अगर आपको आप देखें स्कूल टीचर्स का इनकॉम्पिटेंट बंदा कोई नहीं है कंपेयर टू द काइंड ऑफ प्रॉमिस ही हैड टू डिलीवर, साइंस का जो प्रॉमिस था। दूसरी तरफ है मौलवी जो कि प्रॉमिस को आगे लेके चलना था। ये दोनों की इनकॉम्पिटेंस चेक करें ना तो मुकाबले, और मुझे स्कूल टीचर के इनकॉम्पिटेंट होने से मसला नहीं है, अल्लाह करे वो इनकॉम्पिटेंट हो जाए फिजिक्स पढ़ाते रहे, मुझे कोई टेंशन नहीं, मगर मस्जिद का मौलवी अगर इनकॉम्पिटेंट हो गया ना तो फिर बच्चा नीचे अंडर अंडर द लेवल ऑफ वाटर चला जाता है, फिर उसको सांस नहीं आ सकती, क्योंकि उसकी दूसरी तरफ एक हॉलो आर्ग्यूमेंट है फिजिक्स का, बायोलॉजी का, यू नो एस्ट्रोफिजिक्स की, सारे आर्ग्यूमेंट्स सारी थ्योरीज जो कि अपने आप को लॉ की शक्ल में प्रेजेंट करते हैं, एवोल्यूशन हो या फिर एस्ट्रोफिजिकल फिनोमेनाज हो। अब मैंने आपको आसान सी बात बताता हूँ, मेरी एक बहुत ही रिनाउंड एस्ट्रोफिजिसिस्ट से बात हो रही थी कुछ दिनों पहले, एंड आई सेड मुझे बात समझ नहीं आ रही कि एज फार एज वी कैन टेल जुपिटर के ऊपर द रेड स्टॉर्म कब से चल रहा है, इसकी फिजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, ऐसा कौन सा तूफान है जो हजारों खत्म नहीं हो रहा, ये तो न्यूटन के लॉ के अगेंस्ट है। एंड ही सेड वो हजारों साल से नहीं है, कुछ सालों से है वो, समझ रहे, वो कुछ सालों से, मतलब ही ट्राइड टू एक्सप्लेन टू मी द स्पीड ऑफ द होल यू नो रेवोल्यूशन ऑफ जुपिटर एंड द वे सो फास्ट, 10 घंटे का उसका टोटल ऑर्बिटल जो है चक्कर है, और उसमें इतना बड़ा सर्कमफेरेंस है, उसकी वजह से स्पीड उसको आप 300 गुना मल्टीप्लाई कर लें जमीन के स्टॉर्म से, तो ऐसे वो सब ठीक है, मगर ये बात आपको क्यों नहीं समझ आ रही कि द थ्योरी दैट वी आर प्रेजेंटिंग होल्ड इक्वल वाटर इफ नॉट मोर, कि वो फिजिक्स के लॉ के ऊपर नहीं चल रहा मामला, वो एक और लॉ के ऊपर चल रहा है कि जिस जब तक के आपको समझ आएगा तब तक आपको फिर एक और मिचियो काकू पकड़ना पड़ेगा या कोई नया स्टीफन हॉकिंस पकड़ना पड़ेगा कि एक और भी थ्योरी हो सकती है कि ये फोर्थ डायमेंशनल के कॉन्सेप्ट, फिफ्थ डायमेंशन के कॉन्सेप्ट हो, कोई और एनर्जी और फोर्स उनके ऊपर अप्लाई की जा रही है। सो आई मीन दिस इज, देखिए ग्रे मैटर के अंदर ना वो ब्लैक एंड व्हाइट एरोगेंस रखते हैं, अगर इंसान ब्लैक एंड व्हाइट मैटर के अंदर ग्रे हो जाए ना तो उसको ह्यूमिलिटी कहते हैं कि जी हाँ मुझे पता तो है मगर समझ ले मैं आपकी बात भी मानने के लिए तैयार हूँ। ये लोग जो हैं इनको पता भी है कि ये सही नहीं है मगर ये दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं। सो बात वही आती है एंड में, समय ना वा ताना, अल्लाह ताला ने कहा ना कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल्लिल मुत्तकीन, ये सिर्फ तकवे की बिना पे, अल्लाह के ऊपर अंधे यकीन की बिना पे ही हिदायत हम तक आएगी कि हमें साइंस भी समझ आ जाएगी और ओवर द टॉप सारा कुछ जो साइंस कर रही है वो भी समझ आएगी। अगर हम वो सूरह बकरा है ना देखें, उन्होंने ना मानने की बजाय ना चूचना शुरू कर दी थी, पहले ये बताओ ये कैसे होगा वो कैसे होगा, नीटी गिटी में घुस घुस के आपको दीन से निकलवा लिया था बनी इसराइल ने। तो साइंस तो कहती ही है कि पहले नीटी गिटी में घुसो, साइंस का तो मनहज ही है कि हर मीम मेख निकालेंगे निकालेंगे हम। सही, अब एक समझने की कोशिश करें कि इस्लाम ने उसी मनहज के खिलाफ दीवार की कि हम हिदायत नहीं देंगे, अल्लाह ने कहा मैं तो हिदायत दूंगा ही नहीं अगर तू मेरे बारे में भी मेखे निकालेगा, तुझे मैंने इतना दिमाग दिया ही नहीं कि तुझे मैं नजर सकूं या समझ आ सकूं, मगर साइंस कहती है कि मुझे जब तक समझाओगे नहीं मैं नहीं मानूंगा। अब यहाँ पे बात लिटरली लिटरली बात बिलीफ की आ गई है, बल्कि बात लॉजिक की नहीं, इसलिए अल्लाह ताला कि बेटा गैब पे ईमान रखोगे तो बचोगे, अगर तुम्हें सारा कुछ देखना ही है अगर तुम्हें आंखों से ही देखना ठीक, है बिल्कुल ठीक ओके okay, जी आई थिंक देयर वाज अ कनेक्शन इशू सो लेट मी इनवाइट साहिल भाई अगेन। ओके जी, अभी तक जो डिस्कशन हमने की है मैं जरा उसको
थोड़ा सा आपके सामने समराइज कर देता हूँ। बेसिकली पहला जो सवाल मैंने पूछा था साहिल भाई से और जो मैं खुद भी आप सबसे डिस्कस करना चाह रहा था, उसका मकसद ये था डिस्कस करने का कि आप लोग डायमेंशंस के बारे में पढ़े हर आम आदमी, क्योंकि इस वक्त जो कुफार जो कह लें कि मुलहिद किस्म के लोग हैं जो मुसलमान से एथियस्ट हुए हैं और वो बेसिकली हमारी यूथ का ईमान शेक करने की कोशिश कर रहे हैं इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स को मॉक करके। वो ही कहते हैं जी कि ये आपका दीन ये बात करता है कि कायनात 6 दिन में बनी और आपका दीन बात करता है, इस्लाम बात करता है जी के मेराज के सफर की बात करता है, जिन्नात की बात करता है, एंजल्स की बात करता है और जन्नत जहन्नम की बात करता है, जबकि साइंस जो है वो इनकी इनमें से किसी चीज का प्रूफ नहीं देती। तो लिहाजा चूंकि इन चीजों का प्रूफ नहीं है इसलिए हम इन चीजों पर बिलीव नहीं रखते। मैं आपको ये बताता चलूं कि हम जो 11 डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं इट इज जस्ट अ थ्योरी। बेसिकली हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि साइंस इज एक्चुअली कैचिंग अप टू व्हाट एवर अल्लाह सुब्हाना व तआला हु इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो बताया साइंस विल एक्चुअली कैच अप टू इट और विल नेवर कैच अप टू इट बिकॉज वी डोंट हैव द टूल्स टू स्टडी सर्टन थिंग्स। मैंने आपको बताया ना कि ब्लैक होल एपोकलिप्स एक डॉक्यूमेंट्री है, इट्स अ वेरी फेमस डॉक्यूमेंट्री। उसमें फिजिसिस्ट बकायदा ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे पास अभी वो फिजिक्स ही नहीं है, वो साइंस ही नहीं है कि हम ब्लैक होल को स्टडी कर सकें। वी फाइंड आउट कि ब्लैक होल के अंदर क्या है ये जानने की हमारे पास फिलहाल फिजिक्स ही नहीं है, ना हमारी साइंस अभी वहां तक पहुंची है। अब सवाल ये है कि जब आपकी साइंस वहां तक नहीं पहुंची तो फिर व्हेन इट कम्स टू यू नो कॉन्सेप्ट्स मेंशन्ड इन रिलीजन जैसे कि जन्ना है, जहन्नम है, एंजल्स की क्रिएशन है, रूह है, रूह की बात है, फिर इसी तरह जिन्स हैं वगैरह वगैरह। द डॉक्यूमेंट्री आई जस्ट मेंशन्ड इज ब्लैक होल एपोकलिप्स, ओके, इट्स अ होल डॉक्यूमेंट्री। उसको देख के आपको पता लगेगा कि ब्लैक होल्स का मकसद क्या है कायनात में। ये भी उन्होंने एक अंदाजा लगाया है, बेसिकली साइंटिस्ट ने फिजिसिस्ट ने एक अंदाजा लगाया है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि चूंकि वी नाउ नो कि हमारे पास वो फिजिक्स वो साइंस नहीं है कि हम बहुत सी कायनात की चीजों को समझ सकें, सो व्हाई डू वी चैलेंज इस्लाम व्हेन इट टॉक्स अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ये बातें भी तो वो है ना जिसकी अभी समझने की हमारे पास साइंस मौजूद नहीं है, और जब तक हमारे पास साइंस मौजूद नहीं है तो हम ईमान लाएंगे और ना भी हो तो हम ईमान लाएंगे। समय ना वाता ना, वही बात है जो साहिल भाई ने की, वही मैं रिपीट करूंगा कि वी हियर एंड वी बिलीव, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें बताया है, हम उस पर ईमान लेकर आए, हमारे नबी ने हमें बताया है, हमारे नबी से सच्चा इंसान कायनात में कोई नहीं, तो हमारे नबी ने हमें बताया है, हम उस पर ईमान लेकर आए, साइंस प्रूव करे या ना करे इससे हमारा सरोकार नहीं है। तो इस माइंडसेट को तब्दील होना चाहिए कि साइंस ने ये कहा, साइंस ने वो कहा, तो चूंकि साइंस ने ये कहा इसलिए कुरान में भी ये लिखा हुआ है, लिहाजा इट इज समथिंग वंडरफुल, ओके। इस माइंडसेट को चेंज होना चाहिए, इस्लाम एंड वही इज वे अबव साइंस, वे अबव साइंस। अब देखिए 11 डायमेंशंस की मैंने आपसे बात की, क्यों की, क्योंकि 11 डायमेंशंस का जो कॉन्सेप्ट साइंस दे रही है इट एक्चुअली आंसर्स एवरीथिंग कि तुम्हें नजर ही क्या आ रहा है, तुम्हारा पर्सपेक्टिव ही क्या है, तुम 3D क्रिएचर्स हो। इसको इस तरह से समझेंगे, मिसाल के तौर पे आप लोग टेबल पे खाना खा रहे हैं, एक जगह एक प्लेट पड़ी है, दूसरी जगह दूसरी प्लेट पड़ी है, तीसरी जगह तीसरी प्लेट पड़ी है, आप एक प्लेट में रह रहे हैं, आप एक प्लेट के ही पर्सपेक्टिव को देख सकते हैं, आप उस प्लेट में ही देख रहे हैं, जबकि क्रिएटर अल्लाह सुब्हाना व तआला वो टॉप से देख रहे हैं, उनके सामने हर चीज खुली हुई है, वाजे हुई है, इसीलिए वो जो हकीकत बता रहे हैं कुरान मजीद में उसको हम कैसे पा सकते हैं। इसलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला का नॉलेज, क्रिएटर का नॉलेज, वो कंपेयर टू ऑल द नॉलेज दैट इज एक्वायर्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स और साइंस इज जस्ट लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन, ओके जी। ये हमारा पहला पॉइंट था। अब दूसरी टॉपिक पे आते हैं, मैं साहिल भाई को दोबारा ले रहा हूँ, कुछ बीच में कनेक्शन इशू आ गया था, आई होप कि अब मेरी आवाज भी ठीक है। सो जज़ाकअल्लाह एंड वेलकम बैक साहिल भाई। मैं समराइज कर रहा था हमारे पहले पॉइंट को, मैंने वो जो एग्जांपल दी टेबल वाली,
जो दस्तरखान की एग्जांपल थी वो इसीलिए थी कि हमें पता लगे कि हम 3D क्रिएचर्स हैं, हमें नजर ही क्या आ रहा है और हम किस बेसिस पे जो है वो ये नेगेशन पे निकले हुए, मौजजात की नेगेशन पे और अल्लाह सुभान व तआला की जात तक की नेगेशन पे। जैसे स्टीफन हॉकिंग ने जो एक सोचा छोड़ा था कि खुदा पर तो ईमान वो लेकर नहीं आया, लेकिन उसने एक सोचा छोड़ा और यही मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है एलियंस के बारे में। उसने कहा कि आई बिलीव के यूनिवर्स में एक सुपर इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट करती है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग करके जिसने इंसानों को तख्लीक किया होगा। और बाय द वे ये सेम बात जो है वो सुमेरियंस की स्क्रिप्चर्स में है कि अनुनाकिस दुनिया में आए। अनुनाकिस का जो एक बहुत बड़ा अनुनाकी था एनकी, उसने जो है वो इंसानों को बनाया गुलामी के लिए। तो ये तो वही कॉन्सेप्ट नहीं है कि एलियंस आए यानी अनुनाकिस आए, अनुनाकिस ने आकर देखा कि हमें तो स्लेव चाहिए, उन्होंने अपने से कमतर जो है वो एक क्रिएशन बनाई यानी इंसान, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इंसान बनाए। और मैं आपको बताऊं कि हॉलीवुड की मूवीज भी यही प्रूव कर रही है। प्रोमेथियस एक मूवी है हॉलीवुड की जो एक्चुअली ये प्रूव करती है कि इंसानों की जो एवोल्यूशन हुई है या इंसानों की जो क्रिएशन है उसकी लड़ी यहीं पे जाकर मिलती है कि बहुत करोड़ों साल या पता नहीं कितने साल पहले कुछ एलियंस आए थे, उन एलियंस ने आकर जो अपना डीएनए रखा था यहाँ पर, छुपाया था डीएनए, और उस डीएनए के थ्रू इंसानों की पैदाइश हुई और इंसान जो है वो फैलना शुरू हुआ। और इसी तरह हॉलीवुड की एक और मूवी है टाइम ट्रैप। टाइम ट्रैप में भी सेम कॉन्सेप्ट है कि एलियंस ने इंसानों को बनाया और एलियंस ही इंसानों को सेव करेंगे। तो इसके बारे में क्या शेख आपका व्यू है, एलियंस कौन है, क्या एलियंस एग्जिस्ट भी करते हैं, एरिया 51 और फिर ये यूएफओस, और वो स्टीफन हॉकिंग ने जो अपनी साइंस बताई कि मैं सुपर इंटेलिजेंट लाइफ में बिलीव करता हूँ, गॉड में बिलीव नहीं करता लेकिन हाँ एलियंस बना सकते हैं, मेरी क्या बात है। स्टीफन हॉकिंग जिस लेवल पे चला गया हुआ था ना, उसके बाद उसको एक साइकोलॉजिकल प्रेशर था उसके ऊपर कि अगर वो ये मान लेता कि जो है ना अल्लाह का जो वजूद है और ये सारा निजाम, तो उसकी उससे उसकी पुरानी सारी मेहनत और सारी रेपुटेशन जीरो हो जानी थी। अच्छा, ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है, ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है, बिकॉज व्हेन ही केम अप विद द फैक्ट के ग्रेविटी इज द एक्चुअल प्रोपोनेंट ऑफ एवरी सिंगल क्रिएशन, that literally told me that he has found the very, very answer to all the questions. Achha. magar kyunki aise mauke ke upar aap dekhe na, Hazrat Abu Talib wali aapko misal milti hai na ke ab ek end mein log kya kahenge, samajh rahe hain, ye bahut bada psychological matter hota hai. Bade bade log na apne is main Hazrat Abu Talib se nauz billah compare to nahi karta, Hazrat Abu Talib to Allah taala ke hamare mohsinin mein se hain puri ummat ke. मैं वैसे आपको बता रहा हूँ साइकोलॉजी क्या होती है। साइकोलॉजी यहाँ पे एक सवाल पैदा हो सकता है, बहुत से लोग क्वेश्चन करेंगे कि अबू तालिब के बारे में तो क्लियर कट हदीस है ना कि वो शिर्क पे वफात पाई अबू तालिब ने। नहीं, मैं साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि जब जो चीज पता भी चल जाए ना किसी को और उसके बाद भी वो ना मान रहा हो तो उसके पीछे अल्लाह ताला ने साइकोलॉजी बता दी है। मैं समझ गया आपका पॉइंट, ठीक है, वो कि इस मोमेंटम में आप चलते रहे हो और उसके बाद आपको ब्लेटेंटली अपनी सारी मेहनत जाया करनी पड़ती हो, सही, तो इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज ही केम अप विद टू डिफरेंट वर्जन्स जो कि उसने जो है ना तौहीद की दो बातें उसने की हैं, मगर वो बरमला इसलिए नहीं कर सका क्योंकि अब वो बाकी सारी चीजें जाया हो जाती उसकी अगर वो मान लेता, तो क्योंकि उसके अगेंस्ट टाइड चल रही है ना, जिस टाइड का वो हिस्सा था वो टाइड सारी की सारी एथिस्टिक टाइड है। बिल्कुल ठीक, तो वो इतना आसान नहीं होता, वी हैव टू गिव हिम सम क्रेडिट, क्या पता दिल में वो मान गया हो, बिकॉज पता तो चल ही गया था, फिजिक्स जो है ना वो कहीं ना कहीं। यहाँ पे मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, क्या ये दुरुस्त है कि दुनिया के सारे बड़े साइंटिस्ट एथियस्ट हैं, सारे जीनियस एथियस्ट हैं? क्योंकि ये एक एथियस्ट लड़के ने ही एक मेरी हमारी टॉक में हमसे क्वेश्चन किया था कि अगर एथियस्ट ठीक ना होते तो आज वो दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट के होते। सो इज इट करेक्ट कि दुनिया के बड़े बड़े नाम एथियस्ट हैं, साइंटिस्ट जितने भी हैं? तो दुनिया के उन बच्चों के लिए जवाब बहुत आसान करके बताता हूँ, दुनिया के जितने भी बड़े नाम गुजरे ना वो सब मुसलमान है, समझे, उसके अलावा कोई बड़े नहीं है। अब वो जब साइंटिस्ट को बड़ा कहना शुरू करते हैं तो बेसिकली पैराडॉक्स यहीं पे कि साइंटिस्ट तो अपने आप को सारी उम्र
स्टूडेंट कहता फिरता है, आप उसको क्यों मास्टर मान रहे हैं? पहली बात समझ ले, आप उसको मास्टर मान भी रहे हैं तो साइंस के हर 100 साल बाद पिछले 100 साल वालों को बेवकूफ ठहरा दिया जाता है। तो आप पहले तो वो वाले 100 साल बताएं कि जिनमें आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा बड़े लोग आए, क्योंकि अगले 100 साल में ये सारे के सारे बेवकूफ डिक्लेयर हो जाएंगे। सही। अब जो दो तीन बंदे हर 200-300 साल की इस लंबी सी ट्रेजेक्ट्री के अंदर बच गए, जिसमें न्यूटन बच गए, जैसे अभी तक बेवकूफ नहीं ठहराया गया, ही स्टिल द फादर ऑफ फिजिक्स एंड ही स्टिल द स्मार्टेस्ट मैन दैट वाज एवर बोर्न इन द रियल्म ऑफ साइंस। ठीक है, उससे बड़ा कोई बिलीवर कोई नहीं था, उससे बड़ा कोई रिलीजियस दाई कोई नहीं था। ये न्यूटन की बात बता रहा हूं मैं, अब न्यूटन से भी बड़ा कोई स्मार्ट बंदे के पास तो मुझे बता दें। समझ ले आइंस्टाइन है जी, तो आइंस्टाइन तो जितनी उसके ऊपर डिबेट है कि वो यहूदी क्यों मरा, साइंटिस्ट को आग लगी भी है कि यार ये अच्छा वाला डायरिया हो गया था, मरते मरते फिर वापस यहूद पे आ गया। अच्छा, तो आज की भी अगर बात की जाए तो नील डिग्रासे टायसन और मिशो काकू, बोथ ऑफ दीज फिजिसिस्ट आर एग्नोस्टिक बेसिकली, नॉट एथियस्ट। दे से फ्रॉम देयर माउथ के इट इज आउटरेजियस टू बी एन एथियस्ट, क्योंकि एथिज्म का केस बहुत वीक है। तो इनकी फिजिक्स में तो बहुत ही वीक है ना, फिजिक्स में तो केस ही कोई नहीं बनता इनका। सही, मेटाफिजिक्स के अंदर जो है ना कहानी सुनाई जाती है, फिजिक्स का स्टूडेंट कभी एथियस्ट नहीं हो सकता, बिकॉज फिजिक्स सबसे पहले बताती है कि यार आज तक समझ नहीं आई कि हाउ कैन नथिंग क्रिएट समथिंग। सो ये सबसे पहले ह्यूमिलिटी की स्टेटमेंट फिजिसिस्ट को समझ आ जाती है। सो चाहे नील डिग्रासे हो, चाहे वो काकू हो, चाहे वो कोई भी और फिजिसिस्ट हो, जो कि इस वक्त नॉर्वे के दो बंदे हैं जिनको मैं मतलब डेली पढ़ता हूँ, these people, even if they were atheists, they became agnostics. ke nahi yaar atheism mein to ye baat matlab we have so much data which leads us towards an intelligent agent which Sahi. is running this whole. so ye atheist ko na science ki bina ke upar koi case nahi mil sakta, scientist ki bina pe mil sakta hai, bilkul science ki bina pe। आप 50,000 साइंटिस्ट छोड़े, 50,000 मौलवी भी इकट्ठे हो जाए ना, तो वो बेचारा एक एथिस्ट समझेगा कि कायनात की हकीकत यही है। अब वो 50,000 नहीं ना, मसला मीडिया का है। मीडिया में जिस लेवल पर प्रोपेगेशन हो गई है ना, मैं जितना एथिस्ट को समझा हूँ ना, मतलब कुछ उनमें बहुत फ्यू हैं जो बात सुनना चाहते हैं एक्चुअली, जिनमें टॉलरेंस है। अदरवाइज 90% ऑफ देम दे स्टार्ट विद मॉकिंग एंड सार्केज्म, which in itself shows के how arrogant they have become, के जो बंदा start पहले बता दूँ, ये आप पिछले 1,000 साल की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला ने ये लानत इनके अंदर डाली हुई है। ये एथिस्ट शुरू से ही तज़हीक आमेज, बदतमीज और मगरूर नहीं। ये अबू हनीफा के डायलॉग पढ़े तो बंदा कहता है अबू हनीफा का बड़ा सबर था और तज़हीक। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये अल्लाह ताला की तरफ से दुदकार, अल्लाह इनको हिदायत दे। मगर ये जो है ना, मतलब हम अल्लाह के पार्टी में होने का क्लेम करते हैं कि हमारे पास अल्लाह है, और उसके बाद भी हम इनको इनको मगरूर होके बात नहीं करते। ये कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, अल्लाह तो है ही कोई नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं, और उसके बाद भी एरोगेंस लेके आते। बिल्कुल है। सो इट्स सच अ बिग पैराडॉक्स कि एरोगेंट तो हम ही होना चाहिए कि भाई कायनात का मालिक हमारे पीछे खड़ा है और तू उसको झुटलाई फिर रहा है, आप मैं तेरे दो टुकड़े करूं इधर। मगर नो, वी आर गोइंग हम्बल, के अल्लाह का हुक्म आ गया है इसलिए हम हम्बल हो रहे हैं। तो ये पिछले 1,000 साल के सारे डायलॉग्स पढ़ेंगे ना जब आपको पता चलेगा कि पहला तोहफा जो है एरोगेंस है। बिल्कुल ठीक। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ एलियंस, इसके बारे में मैंने क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री देखी अनएक्नॉलेज्ड, तो वो उसमें बड़ा उसने स्ट्रॉन्ग केस बंदे ने जो है वो रखा एलियंस की एग्जिस्टेंस के बारे में, और उसने बड़ा एक बैलेंस्ड ओपिनियन रखा। उसने कहा कि मुझे नहीं पता वो हमसे ज्यादा एडवांस्ड है, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है कि नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि यूएस और ये गवर्नमेंट्स हाइड कर रही हैं एलियंस के एग्जिस्टेंस को, और यूएफओस के आने जाने को हाइड किया जा रहा है। और काफी स्ट्रॉन्ग उसने केस रखा सामने, उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है अनएक्नॉलेज्ड।
सो व्हाट डू यू थिंक के ये तो मुझे भी मैंने भी आयास पढ़ी है इसके बारे में कि जाहिर है कि अल्लाह ताला ने आसमान और हेवंस और अर्थ बनाए और उनमें जानवर फैलाए, दाबा के अल्फाज है उनमें जानवर क्रिएचर्स फैलाए। और बाय द वे एक मूवी इसमें है फैंटास्टिक बीस्ट्स एंड वेयर टू फाइंड देम, दिस इज अ सीरीज हैरी पॉटर से आगे कैरी फॉरवर्ड हुई है फैंटास्टिक बीस्ट्स, और उसके भी आगे कुछ पार्ट्स भी आ रहे हैं। उसमें भी दिखाया है कि क्रिएचर्स ऑफ सम अदर डायमेंशंस आर शोन, एनिमल्स ऑफ व्हिच डू नॉट बिलोंग टू दिस अर्थ आर शोन, यानी एलियन एनिमल्स आर शोन। सो हु आर एलियंस, अगर वो एग्जिस्ट भी करते हैं, और क्या ये एरिया 51 के बारे में जो कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, जो कॉन्स्पिरेसीज हैं, आर दे ट्रू? आपकी वीडियो चली, मेरी वीडियो चली गई है, आपकी वीडियो चली गई, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है जी, आ गई, दोबारा चली, हाँ दोबारा आ गई, आ गई। सर एलियंस भी तो मुसलमान होने के कुरान पाक पढ़ते ही हमारा ईमान आ जाता है। और जो खूबसूरत बात यह है कि हमें जो लफ्ज कुरान पाक में इस्तेमाल करके बताया है वो आकिल आकिल मखलूक का लफ्ज है, वो गैर आकिल का नहीं है, वो जानवरों के लिए इस्तेमाल नहीं होता वो लफ्ज, जो अल्लाह ताला ने एलियंस के लिए इस्तेमाल कर दिया। अच्छा। इसका मतलब है कि उनकी प्रॉपर बिलीफ सिस्टम है, उनके प्रॉपर सही गलत की तमीज है, उनके अकायद है। मतलब फिर सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने बता दिया कि आपके अलावा भी बड़ी कौमें अल्लाह ने बनाई है, और उनमें से काफी सारी कौमों के ऊपर अल्लाह ताला ने बनी आदम को फजीलत दे दी है। इसका मतलब है सब पे फजीलत नहीं, हमसे बेहतर कौमें भी अल्लाह ने बनाई। अच्छा, और तो ये तो बात अटल है कुरान पाक से ही कि हम अकेली मखलूक नहीं है जो अकल रखती है और इसी तरीके से निजाम चला रही है अपना कोई। और एक कॉल है जो मौलाना मदूदी साहब ने नकल किया है, ऑल्दो इसके बारे में बड़ी डिस्कशन है उलमा पे कि फैब्रिकेटेड है, बट कुछ उलमा ने इसको तस्लीम भी किया इस कॉल को। वो कॉल ये है कि इब्ने बास ने कहा कि वो जो सूरह तलाक की आयत नंबर 12 है कि अल्लाह ने सात आसमान और सात जमीनें बनाई, और उन 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 जमीनों और आसमानों पे अल्लाह का अमर, अल्लाह का हुक्म चलता है, और अल्लाह ताला करने सही है, हदीस सही है, ये हदीस सही है, सनद है। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ, कुछ स्कॉलर्स ने इसको सही एक्सेप्ट किया है, मौलाना मदूदी भी स्कॉलर्स तो इसको सही कहते हैं, नासिर अल्बानी भी सही कहते हैं, कहते हैं इसके मतन, इसके मतन में जो है ना वो डिस्कशन हो रही है मतन पे, हदीस अपनी सेहत के मुताबिक परफेक्टली सही है, इसमें कोई मसला नहीं। इसमें मजीद रिसर्च की जा सकती है कि इस कॉल की सेहत क्या है, लेकिन एनीवे मैं वो कॉल आपके सामने रखना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि उन जमीनों पे तुम्हारी ही तरह के मखलूक है, यानी उनका भी एक आदम है, उनके भी एक नूह है, इन शॉर्ट यानी कि इससे मुराद नहीं है कि लिटरली उनके हमारी तरह के नूह है, इससे मुराद ये कि उनके भी नसीहत करने वाले आए हैं, समथिंग लाइक दिस, और उनका बिलीफ सिस्टम है और उनका पूरा एक निजाम चलता है वगैरह वगैरह। सो क्या ये कोर्ट से भी हम ये चीज कह सकते हैं कि मे बी देर आर अदर डायमेंशंस, मे बी देर आर अदर क्रिएचर्स आउट देयर? सर मेरा तो ईमान है डेफिनेटली पे मे बी पे नहीं, मैं तो ज़ुल्करनैन को भी आउट ऑफ द प्लेनेट लेके जाता हूँ, मैं तो याजूज माजूज को भी आउट ऑफ द प्लेनेट रखता हूँ, मेरा तो ईमान है इसके ऊपर, मैंने तो ये बात अपने शरह सदर है मेरे ऊपर, जो अहदीस हमें मिल चुकी है याजूज माजूज की, वो सारे की सारी इंटर डायमेंशनल हैं, आसमान के दरवाजे खुलेंगे, कुरान पाक में कम से कम 6 दफा लिखा हुआ है कि आसमान के दरवाजे कैसे खुलते हैं, आसमान का दरवाजा फिजिक्स की रूह से तो खुलता नहीं है, वो तो इंटर डायमेंशनल दरवाजा खुलता है, तो ये तो बहुत आसान हो जाता है अगर कुरान पाक के थ्रू अगर हम ये देखें कि एस्ट्रोफिजिकल कॉन्सेप्ट ही अल्लाह ताला ने बताए, और कुरान पाक में कितनी दफा अल्लाह ने कहा है ऊपर देखो आसमान की तरफ देखते क्यों नहीं हो, मेरी निशानियां क्यों नहीं देखते हो, तुम्हें क्यों नहीं नजर आता कि अल्लाह ताला ने क्या बनाया, ऊपर देखो कोई गलती नजर आ रही है, आम बंदे को क्या गलती और सही नजर आएगा, ये सब एस्ट्रोफिजिक्स के स्टूडेंट्स बनाने के लिए अल्लाह ताला ने बताया कि ये ईमान के तकवीत के मामलात हैं जब अगर हम एस्ट्रोफिजिक्स, और हदीस डायरेक्ट है ये सही हदीस सुना रहा हूँ कि कायनात पे एक लम्हे का गौर आबिद की 70 साल की इबादत से ज्यादा है। तो ये तो मतलब हमारे बच्चों को पता होना चाहिए था इस बात को, हमारे उलमा को नहीं पता। तो
से कि ये जो डॉक्यूमेंट्री में वो जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एरिया 51 में मे बी एलियन है, या वहां पे एलियन टेक्नोलॉजी पे वर्क हो रहा है और यूएफओस देखी जाती हैं बहुत ज्यादा मैक्सिको और अमेरिका के इलाके में, तो उनका क्या मकसद है? व्हाई आर दे कमिंग, व्हाई आर दे विजिटिंग दिस अर्थ? सर, उसका चूंकि जो रिकॉर्ड हमारे पास है वो तो आइजनहावर का ही है, वो भी उसकी बीवी की किताब ना शाया होती तो मुझे वो भी ना यकीन आता, मगर उसकी बीवी अच्छा ने किताब शाया करके बता भी दिया कि तीनों मीटिंग्स मेरे शोहर ने, जो आइजनहावर द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जी उसकी हाँ जी तीन हाँ मीटिंग्स हुई एलियंस के साथ, और बर्मला उसने बताया। फिर नैन्सी रेगन का भी ये रिव्यू आया था एक दफा, मगर ये मुझे पूरी तरह पता है कि एलियन विजिटेशन अक्रॉस द यूनिवर्स, स्पेशली प्लैनेट अर्थ के ऊपर, तो बेशुमार हैं। मैं तो हैरान हूं कि हम इसको एक एक्स्ट्रॉर्डनरी इवेंट क्यों समझते हैं। इट इज अ वेरी ऑर्डिनरी इवेंट इफ यू लुक एट ऑल ऑफ दोज हिस्टोरिकल थिंग्स। जो ठीक आइजनहावर, मिसिज आइजनहावर ने जो बताया था वो आसान करके बताता हूँ कि उन्होंने कहा था कि हमें, हम तुमसे ट्रेड ऑफ कर लेते हैं कि हमें एक खास तरह का लेबर फोर्स चाहिए जो कि एक खास मकसद ही है हमारा। उसके लिए एंटार्क्टिका में उन्होंने कुछ कुछ इंतजाम भी करवाए थे अमेरिका ने इन एलियंस के लिए। अकॉर्डिंग टू हर, आई डो नॉट नो, मेरे पास जितनी भी रिसर्च है वो इंटरनेट पे है, तो इंटरनेट को मैं कोई आयत हदीस तो मानता नहीं। सो जो उसकी किताब है, लेकिन वो मैंने पढ़ ली, वो किताब में उसने तो बड़ी एक्सप्लिसिटली बताया कि कितने एलियंस थे पहली दफा, दूसरी दफा। अब वो कोई साइको किस्म की औरत तो थी नहीं, ना ही वो इस तरह की कोई स्पिरिचुअल लीडरशिप का वो कर रही थी, वो तो एक आम फर्स्ट लेडी है, उसने ऑन रिकॉर्ड किताब छाया कर दी है कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की बीवी है, और उस वक्त सिटिंग प्रेसिडेंट था वो जब उसने किताब लिखी थी, तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि उसने बर्मलाई सारा कुछ ही बता दिया। मगर बिल्कुल नैन्सी रेगन और रोनल्ड रेगन ने भी ये बात बताई थी कि यू नो दिस वाज ए वन टाइम इवेंट इन हिज टेन्योर, मगर बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने देखी हैं जो कि बड़े अच्छे दिमागी तवाजुन दुरुस्त के लोगों के, बड़ी अच्छी पोजीशन पे इस वक्त दुनिया में वो काम भी कर रहे हैं, उनके काफी सारे अकाउंट थे जिन्होंने बताया कि हमने ना सिर्फ खुद देखा है बल्कि हमारे तजर्बात कुछ मिलने के भी हुए हैं इन इन मखलूकात के साथ। मगर चूंकि इसको जान के एक ब्लो आउट ऑफ द प्रोपोर्शन कर दिया गया है ताकि कोई इस बारे में बात करे तो वो साइको हो जाए या फिर वो एक पागल समझा जाए उसको, तो इस बारे में फिर लोग फिर ज्यादा मेन स्ट्रीम पे नहीं आते। नहीं, मेरा एक्चुअली मैं ये पूछना आपसे चाह रहा हूँ कि क्या ये वही साजिश नहीं हो सकती कि एलियंस को साबित करो ताकि लोगों को एथिस्ट बनाया जाए कि एलियंस ने हमें क्रिएट किया है, वो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस्ड है? नहीं, मैं अच्छा वो आपके, मैं पहले बात का जवाब दे दूं। सुमेरियंस जो कहते थे ना कि एलियंस ने क्रिएट किया है, तो सुमेरियंस के अलावा भी ये लोग कहते थे। सुमेरियंस का अगर पूरी की पूरी आप पढ़ें, जो कि मैंने पढ़ ली हुई है कई दफा, मैंने तो उसकी एक्चुअली एक थीसिस भी बना रहा था मैं। फरिश्तों को अमूमी तौर पर खुदाई दर्जा दिया गया है हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर, और जो भी अनुनाकी के अकाउंट्स है ना, स्पेशली द वे दे डिस्क्राइब एनकी और उसके ताल्लुकात, वो तो साफ समझ आती है कि उन्होंने, वो जैसे इंडियंस ने भगवानों को वो जो भगवान बना लिए सारे के सारे मामलात को, सो ये ओवर द टाइम फरिश्तों को खुदाई दर्जा देना बड़ा आसान और एक अजीब सी एक इंसानी जो है ना एक ट्रेडिशन रहा है हमारा। सो जो हुलिया उन्होंने बनाया ना, वो सब का सब फरिश्तों वाला बनाया, और जो उन्होंने टाइटल दे दी वो सारे गॉडली दे दी। मगर ये बात दुरुस्त है कि इस बारे में एक कॉमनैलिटी पाई जाती है कि ना सिर्फ सुमेरियंस बल्कि इंडियंस बल्कि ग्रीक भी ये डायरेक्ट खुदा तक क्यों पहुंच जाते थे, वो असल में नहीं पहुंचते थे, ये उनके बाद की जनरेशन होती हैं जो फिर हजरत नूह के उसमें अकाउंट में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया ना कि ये अपने बड़े बड़े लोगों को फिर शैतान इनको खुदाई दर्जे दिलवाता है। सही। ये अल्लाह ताला ने खुद बताया ना कि इंसान करते क्या है फिर शैतान की बेकार। सो ये बात तो साफ समझ आ रही है कि वो उस वक्त के फरिश्तों को, जैसे एक पूरा मजहब है जो कि यजीदीज है, जो सीरियन यजीदीज है, ये मलिक ताउस को कहते हैं कि द लॉर्ड ऑफ ऑल क्रिएशंस, और मलिक ताउस बनाते हैं तो जिब्राइल अमीन का पूरा तस्वीर बना देते हैं, जो हमारे जहन में जिब्राइल की तस्वीर आती है ना, उन्होंने वो मलिक ताउस बनाया हुआ यजीदीज ने, और कहते हैं असल में क्रिएटर। अब
खुद सोचे ना, अगर कुरान पाक महफूज ना हुआ होता तो एटलीस्ट मुसलमानों की तो गारंटी है कि आजकल के मुसलमानों ने तो मतलब अगली जनरेशन में खुदाई दर्जे निकलवाने थे लोगों के। हमारे तो पाकिस्तान से 11 झूठे नबी पैदा हो गए, हमने तो पता नहीं कितने खुदा निकालने थे। ये तो ताला ने कुरान पाक निकाल दिया ना, तो इस तरीके से खुदाई दर्जे मिलते हैं ना। जिस तरह इंडियंस ने भगवान बनाए, हमने अपने पीर बनाए, उन्होंने भगवान बनाए। सही, तो ऐसा ही होता है। फिर ये एक सिमुलेशन की थ्योरी है कि बस यूनिवर्स एक सिमुलेशन है, समबडी हैज प्रोग्रामड इट। उस तरह तो मेरी भी हजार थ्योरीज हैं। सही, ये इस तरीके से मतलब इसको जिसको जो सिरा मिल रहा है उसके ऊपर बैठ के वो अपनी एक फायरिंग कर रहा है बैठ के। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैंने कुछ सालों पहले मैं तजिया कर रहा था कि मुसलमानों ने जो अपने पीरों को करामते दी है ना, एग्जैक्ट वही करामती हिंदुओं ने राम और कृष्ण को दी थी। सही, हम आए चूंकि इस्लाम का प्रेशर था तो हमने उनको अल्लाह रसूल का वो दर्जा नहीं दिया। हिंदुओं के पास इस्लाम का प्रेशर नहीं था कुरान का, उन्होंने उनको बस अल्लाह रसूल बना दिया। सही, सो दिस इज काम वही किया हमने कि जो कुछ चीज मिलती है जो कि आउट ऑफ द ऑर्डिनरी होती है, उसको ऐसी कोई आदत है ना इंसान को कि खुदा बात ही नहीं करता, जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज देखी है हिस्ट्री, वो उसको डायरेक्ट खुदा बना दिया इन्होंने। तो स्टीफन हॉकिंग ने भी यही किया है कि एलियंस को खुदा बना दिया है कि सब इंटेलिजेंट एजेंट। सो इनकी बेसिक जहनी औकात होती है जो कि मेरे ख्याल से दौरे जाहिलियत के इंसानों की रहती है। सही हो गया, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ओके चले, लेट्स एग्री के एलियंस हैं, तो फिर व्हाई डू दे ओनली विजिट यूएसए? ये तो किसी बहुत ही कुछ राइट विंग अमेरिकन ने जुमला बोला होगा। जितनी यूरोपियन अकाउंट से एलियंस के सारे क्रॉप सर्कल तो यूरोप में आते हैं। अच्छा, और अफ्रीका में भी क्रॉप सर्कल्स काफी हैं। मगर सबसे ज्यादा यूरोप में है, उसके बाद साउथ अमेरिका में है, फिर अफ्रीका में है। ये फिल्मों में सारे अमेरिका में आते हैं, असल में नहीं ऐसे होते। सही, सही। बोलते भी इंग्लिश ही। वैसे आपको कॉमन सेंस की बात बताऊं, मैं अगर एलियन होता ना तो मैं भी अमेरिका ही जाता भाई। दुनिया के लीडर को अगर आपने पकड़ना है, आपने कोई काम लेना है ना दुनिया वालों से, तो उनके लीडर के पास ही जाएंगे ना आप। अब पाकिस्तानियों के पास तो नहीं आएंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों ने कहना है हम ट्रंप से पूछ के बताएंगे क्या करना है आपके। सही सही सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ओके, पार्लियामेंट हाउस की बात कर रही हूँ, इमरान खान के पास तो ये नहीं चाहेंगे ना। लास्ट चीज मैं डिस्कस कर लूं आपसे। अच्छा, एक मूवी जो है हॉलीवुड की मूवी, और एक नहीं कई मूवीज में ऐसा कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ है कि कुछ इवन लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से एक पोर्टल खोलने की कोशिश कर रहे हैं, और उस पोर्टल खोलने का मकसद ये है कि दो वर्ल्ड्स को कनेक्ट किया जाए, एक हमारा वर्ल्ड और एक अपसाइड डाउन वर्ल्ड, यानी जो हमारे ही वर्ल्ड में एक और डायमेंशन एग्जिस्ट कर रही है उसको भी खोला जाए, और उसको खोल कर एक इविल क्रिएचर को बाहर निकाला जाए। ये कुछ मूवीज और कुछ टीवी सीरीज का भी कॉन्सेप्ट है, उनकी थीम है। मिसाल के तौर पे एक टीवी सीरीज है स्ट्रेंजर थिंग्स, उसमें ये चीज दिखाएगी पैरेलल वर्ल्ड की बात। ठीक है जी, बिल्कुल एक भाई ने सही कहा। अच्छा, नाम क्या बताया आपने? स्ट्रेंजर थिंग्स एक टीवी सीरीज है, उसका मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी तरह एक दो मूवीज है, मुझे उनके नाम भूल गए हैं। वो नाम बेसिकली उसमें भी कॉन्सेप्ट यही है कि एक पोर्टल जो है वो खोला जा रहा है ताकि वहां से निकाला जाए, किसी ईवल मखलूक को निकाला जाए। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग एक तो ये शिकायत कर रहे हैं, उन्होंने सलाम किए हमने जवाब नहीं दिए, तो उसकी वजह ये है कि मैं कमेंट्स इतने पढ़ नहीं रहा, मेरी जो तवज्जो है वो साहिल भाई की तरफ है और मेन स्क्रीन मेरे पास कमेंट्स आ भी नहीं रहे, उनको बता देना। यस, तो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एवरीवन। और फिर किसी ने ये पूछा है कि अभी मैंने मूवीज की बात की, क्या आप मूवीज देखते हैं? तो मैं सर्टन मूवीज देखता हूँ, मैंने बात अपनी वर्कशॉप्स में भी की है, और उसके पीछे जो देखने की मेरी नियत होती है वो हमेशा यही होती है कि व्हाट इज द यूथ अप टू। एक तो पहली बात ये कि यूथ क्या कंटेंट देख रही है, और मैं हमेशा जब मूवी देखता हूँ तो आई एंश्योर कि मैं IMDB पे जाके उसका पेरेंटल कंटेंट देखूं, उसमें जो भी खराफात हैं, अगर खराफात डेफिनेटली तो हमने नहीं देखनी, लेकिन ऐसी मूवीज जिनसे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है फिजिक्स के
उसकी, या मुझे पता लग रहा है कि वो किस एजेंडा पे काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। यस, ऐसी मूवीज मैं देखता हूँ, ये बात मैंने पहले भी क्लियर की थी। एनीवे, ये है इसका जवाब। तो अब पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो ऐसे कॉन्सेप्ट दिखाए जा रहे हैं, पोर्टल खोला जा रहा है और एक ईवल मखलूक को निकालने की कोशिश की जा रही है, तो क्या ये दज्जाल की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे सर, जो फिल्म बना रहा है वो कर रहा है ना, मतलब जी वही उसी की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं सर, सिर्फ दज्जाल नहीं। देखिए, मैटर एंटी मैटर की जो थ्योरी है ना, वो आपको पता होगी फिजिक्स में, जो सबसे बेसिक थ्योरी है वो ये कि यूनिवर्स जो है ना, मैटर एंटी मैटर की प्रोबेबिलिटी है। जैसे मैटर एंटी मैटर मिलेगा, एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। एनर्जी क्रिएट होगी तो कोई ना कोई पोर्टल खुल जाएगी, बिकॉज इट्स अ डोरवे, एनर्जी डिफरेंशियल है बिटवीन वन डायमेंशन एंड अदर डायमेंशन। मैटर एंटी मैटर जब भी मिलता है, एनर्जी फ्लो होती है। अब इन्होंने जो कहा ना अपसाइड डाउन, वो बेसिकली एंटी मैटर थ्योरी लग रही है मुझे, कि मैटर एंटी मैटर मिलेगा अर्थ की तरह, एक यू नो गैरुल अर्थ भी है, वो आपस में जैसे मिल रहे होंगे वहां पे दरवाजा खुल रहा होगा। मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस बाय द वे, बिकॉज दज्जाल ने भी पोर्टल खोल के आना है, आसमान के दरवाजे ही खोले हैं अल्लाह ने कुरान पाक में। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज वेरी मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस टू मी, मगर इनके पास कहां से आ रहा है? वो कुरान से तो नहीं आ रहा, वो तो मुसलमान ने नहीं अभी तक इजाजत देंगे तो आएगा ना, अल्लाह के इज़्ज़त से सब कुछ होगा। अल्लाह के इज़्ज़त से ही फिजिक्स के लॉ है ना, जमीन पत्थर जमीन पे क्यों गिरता है? अल्लाह के इज़्ज़त से ही गिरता है ना। हमने ये अल्लाह का इज़्ज़त ये थोड़ी है कि अल्लाह ताला ने जाल का हुक्म देना है, वो तो अल्लाह ताला ने कदर का इंतजाम कर दिया हुआ है कि आप जिस तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी इन एक्ट है, या बाकी के डायमेंशन भी वो इन एक्ट ही है ना, वो अल्लाह के इज़्ज़त से। सो जब कोई इंसान कोई काम करता है तो उसके पीछे इजाजत तो अल्लाह ताला की होती है ना, कि इसको किस लेवल की मैट्रिक्स दी गई है। खिज़र का वाकया यही तो बता रहा हमें। बिल्कुल सही। ओह अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बस ये बिफोर आई गो, कि सेवन हेवंस का कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर एक और सेशन इंशाल्लाह करेंगे। सेवन हेवंस जो है, मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हमारा जो यूनिवर्स, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का जो एंड है, दैट इज द फर्स्ट हेवन। ये पहला हेवन है मेरे नजदीक, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा ना, अल्लज़ी खलक़ अस्समावात तिबाका, एक तो ये, दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने कहा कि वलक़द ज़य्यन्ना समाअ दुनिया बिमसाबीहा वजअलना रुजूमन लिश्शयातीन, हमने दुनिया के आसमान को सितारों से मुज़य्यन किया। तो सितारे यानी स्टार्स तो यूनिवर्स के गैलेक्सीज भरी हुई है सितारों से। तो मेरे ख्याल में कि ये जो पहला आसमान है, ये हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का एंड है, और जो सेवन हेवंस की बात हो रही है, मेरे ख्याल में कि ये आई मे बी रॉन्ग, सेवन हेवंस है बेसिकली, ये पैरेलल यूनिवर्सेस का कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। सर नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट आपका ठीक नहीं है कि जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसका एंड पहला हेवन है, बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। एक तो ये कि जब हम डायमेंशन के कॉन्सेप्ट के बिलीवर हैं, तो हम अपने इस साइकोलॉजी के ऊपर अल्लाह ताला के साथ आसमान क्यों ठहरा रहे हैं कि जिस साइकोलॉजी में हम 3D के आदि हुए हैं ना। दूसरी बात, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि सूरज अर्श को सजदा करता है रात को और फिर सुबह इजाजत लेके तुलू होता है जी, ठीक है, तो अर्श तो सात आसमानों के ऊपर है ना, ये तो हदीस से साबित है, सात आसमानों के ऊपर है। तो सूरज अगर अर्श तक जा रहा है ना, तो इसका मतलब है ये डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, ये मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है सेवन हेवंस का। ये ऐसे नहीं है कि हमारी यूनिवर्स के वो है ना मुज़य्यन समा दुनिया सूर्य मुल्क वाली, वो इस डिमेंशन की बात हो रही है, और सूरज जो है वो सब को किसी और डिमेंशन में सजदा कर रहा है, और सात आसमान जो है वो मल्टी डिमेंशनल हो गए ना इससे। ओके ठीक है, बिकॉज सूरज अगर अल्लाह के अर्श को सजदा करता है तो वो फिर सात आसमान क्रॉस कैसे करके ऊपर जाता है ना, समझ रहे? इसका मतलब है कि वो क्रॉस तो करता है मगर वो इस डिमेंशन में ही नजर आ रहा है। सही। तो ये जो सितारे हैं वो तो हमें इस वक्त वो जो यूनिवर्स की जो हमें वो जो क्या उसे कहते हैं आफ्टर ग्लो ऑफ द बिग बैंग, आफ्टर ग्लो से तो ये नजर आ गया कि ओके देयर इज अ स्फेरिकल यूनिवर्स द फर्स्ट हेवन व्हिच यू आर सेइंग, बट सूरज तो उसी के अंदर ही है फिर। तो सूरज तो उसी के अंदर ही रहा। सो इट्स अ लिटिल वेल इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड इफ यू लुक एट 3 अहदीस इकट्ठी कर लेंगे तो पता चलेगा कि डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट ही इस्लाम में जो है वो कवि है। अच्छा, सेवन हेवंस के कॉन्टेक्स्ट में।
चले इस पे हम डिटेल में इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। मेरी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है बिफोर आई गो के ये सेशन रखने का जो मकसद था हमारा वो यही था कि बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि कुछ अहदीस ऐसी हैं जिनको पढ़ के लगता है कि साइंस में ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरी उन लोगों से दरख्वास्त ये है कि आप अपने एंगल को चेंज करें, आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करें, आप वही के थ्रू साइंस को देखें बजाय कि आप साइंस के थ्रू वही को देख रहे हैं। ये टोटली एंगल ही गलत है, पर्सपेक्टिव ही गलत है, पहली बात। दूसरी बात, हमने जो डायमेंशंस की बात की उस पर इतना जोर क्यों दिया मैंने और साहिल भाई ने, क्योंकि ह्यूमन बीइंग थ्री डायमेंशनल क्रिएचर है। मैंने आपको टेबल की मिसाल दी कि ह्यूमन बीइंग को नजर ही क्या आ रहा है, हमारा पर्सपेक्टिव ही क्या है। और साहिल भाई ने जैसे कहा कि अभी तक हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को नहीं समझ सके, भाई सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे अभी तक बहस हो रही है कि कौन सा मॉडल है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, स्ट्रिंग थ्योरी है या वो जो रदरफोर्ड का मॉडल है, एक्चुअल में मॉडल क्या है और इलेक्ट्रॉन क्या चीज है। अभी तक इलेक्ट्रॉन पे बहस हो रही कि इलेक्ट्रॉन क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन बिहेव ऐसे क्यों करता है। आपने ही साहिल भाई बताया था कि इलेक्ट्रॉन को जब ऑब्जर्व किया जाए तो डिफरेंटली बिहेव करता है, माई राइट, ये आपने ही एक बार बात की थी। तो सर ये बिलीफ है मेरी, वो भी आइंस्टाइन की वजह से बिलीफ है कि इलेक्ट्रॉन एक जिंदा आकिल मखलूक है, चाहे वो एक चाय के प्याली की इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो, क्योंकि उसने साबित कर दिया, आइंस्टाइन ने साबित करके बताया कि इलेक्ट्रॉन बकायदा अकल रखते हैं और जैसे ही हम उनको देखना शुरू करते हैं तो वो लाइन में चलना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही आंखें बंद करते हैं वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। ये कोई छोटा मामला, इससे बड़ी डिस्कवरी तो हिस्ट्री ऑफ साइंस में कभी नहीं हुई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मेरी ऑडियंस से दरख्वास्त ये है कि आप लोग डॉक्यूमेंट्रीज देखें। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री का नाम लिया ब्लैक होल एपोकलिप्स। आप लोग डॉक्यूमेंट्रीज देख के रिसर्च करें, जैसे अल्लाह सुभान व तआला ने देखे सूरह आले इमरान में। शेख आप ना इनको किताबों पे लगाएं, डॉक्यूमेंट्रीज पे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। किताबें आजकल नहीं है असल में, इसलिए एक और जवाब मैं आपको वहां पे सवाल का, उस बच्चे ने पूछा था, जितना बड़ा गुनाह है ना फिल्में देखना, उतना ही बड़ा गुनाह ये सेशन देखना भी है, जो तस्वीर का इल्लत लगती है ना, ठीक है। तो या तो आप पूरी तरह उधर जाएं या पूरी तरह इधर आएं। तो डॉक्यूमेंट्रीज की बजाय किताबों में ना जो आपको तफसील मिलेगी ना, वो आपको वीडियोस में नहीं मिल सकेगी, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ तजुर्बे। किताबें भी जो है एस्ट्रोफिजिक्स रिलेटेड किताबें पढ़ें, बट मेरा पॉइंट असल में ये है, बेसिकली सबको ये बताने का पॉइंट ये है कि जैसे अल्लाह सुब्हान व तआला सूरह आले इमरान में कहते हैं ना, इन्ना फी खल्किस समावाती वल अर्दी वख्तिलाफिल लैल वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब, के बेशक इन द क्रिएशन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ एंड द ऑल्टरेशन ऑफ द नाइट एंड द डे देयर आर साइंस फॉर दोज हु थिंक, देयर आर साइंस फॉर पीपल ऑफ इंटेलेक्ट। हमारी रिसर्च क्यों रुक गई है, मुसलमान रिसर्चर्स क्यों पैदा नहीं हो रहे हैं, बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन हमने इन लाइंस पर सोचना शुरू कर दिया है कि तख्लीक खुदा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो तख्लीक है, ये हाउ डिड इट कम टू बी। और जैसे जैसे इस में तरक्की होती जा रही, फिजिक्स में तरक्की होती जा रही, मैं समझता हूँ कि मुसलमान को इन चीजों पर बहुत नजर रखनी चाहिए, खसूसन फिजिक्स की थ्योरीज पे बहुत नजर रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि फिजिक्स की थ्योरी से इस्लाम को इंटरप्रेट करें या फिजिक्स की थ्योरी से कुरान को साबित करने की कोशिश करें, मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों को इसमें सबसे ज्यादा ग्रिप होना चाहिए बीइंग मुस्लिम, ताकि कल को आप ऐसी कम्युनिटी में बैठेंगे, लोग साइंस के वर्शिपर्स बन चुके हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या बात कर रही है और साइंस की लिमिटेशंस क्या है, और हमारा दीन जिस लेवल पे जाकर बात कर रहा है, साइंस उसमें कोशिश कर रही है। तो यही मेरा सेशन करने का जो है वो आज, और सही अल बुखारी का एक चैप्टर है बुक ऑफ बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन, हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन, उसको भी पढ़ें और खुद भी कुछ रिसर्च करने की इंशाल्लाह ताला कोशिश करें, और हमारी जो मुस्लिम यूथ है जिनका ईमान इस वक्त शेक हो रहा है, उनको कॉन्फिडेंस की जरूरत है। ऐसे सेशन इसलिए रखे जाते हैं कि उनको कॉन्फिडेंस आए कि दीन इस्लाम इज वे अबव साइंस, सो डोंट यू नो बिकम ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ साइंस, ऑल्दो साइंस डज आंसर मेनी क्वेश्चंस। वी आर डूइंग दिस सेशन बिकॉज ऑफ द यू नो इन्वेंशन ऑफ साइंस। यस, हम लडाइट्स नहीं है, हम साइंस के दुश्मन नहीं है,
ना ही हम साइंस को यहाँ पर कोई गलत साबित करने बैठे हैं, लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अपने एटीट्यूड्स को कंट्रोल करें। ये जो साहिल भाई ने बात की कि तीन चीजें बदतमीजी, तदहीक और एरोगेंस, ये तीन चीजें इंसान को हिदायत से बहुत दूर कर देती हैं, तो हमें अपने आप को चेक में रखना चाहिए कि वी आर अ क्रिएशन जिसके पास ऑल नॉलेज नहीं है। ओके, तो इसी नोट पे इंशाल्लाह आज का सेशन हम एंड करते हैं। आई होप इट वाज बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह वी विल हैव अनदर सेशन इन व्हिच वी टॉक अबाउट सेवन हेवंस एंड आई विल बी मेंशनिंग सम अहदीस रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। सही अल-बुखारी से इंशाल्लाह कि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुई, ताकि आप लोगों को साइंटिफिक नॉलेज भी पता लगे जो अहदीस में मेंशन है। इंशाल्लाह ताला इसको हम डिस्कस करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मेरी तरफ से, साहिल भाई की तरफ से आपको बहुत बहुत अल्लाह हाफिज, जजाक अल्लाह खैर। जितने भी लोगों ने कमेंट किया, सलाम किया, वंस अगेन उनको वालेकुम अस्सलाम। एक भाई हैं माशाल्लाह, वो कश्मीर से देखते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ही ट्रेवल्स अ लॉट ऑफ डिस्टेंस टू वॉच आर सेशंस, उनका वंस अगेन उनके लिए दुआएं, उनके फैमिली के लिए दुआएं और आप सब के लिए बहुत सी दुआएं। और स्टे कॉन्फिडेंट ऑन योर दीन एंड वर्शिप अल्लाह सुभाना व तआला, बिकॉज ही इज द मोस्ट ग्रेट। जब आप जितना तदब्बुर करेंगे अल्लाह की क्रिएशन पे, आप उतना सजदे में गिरते जाएंगे कि हम क्रिएट द क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह इज। दिस इज माय साइड, जज़ाकअल्लाह खैर, जज़ाकअल्लाह साहिल भाई। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट, बारकअल्लाह फी, बी टेकिंग यू इन द नेक्स्ट, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। रहमतुल्लाहि व बरकातहू।